अच्छा यार फाइनली हमने बकरे को बिठा दिया था। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं रिक्शे में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है। ये बकरा बैठा हुआ है इधर, देखो इधर से है ये रहे। साले कान के I got broads in Atlanta, just to be in the family, credit cards and the scams, getting no licks in the van, legacies. हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? यार आज बहुत ही कमाल का मौसम हुआ हुआ था, तो मुझे दोस्त का फ़ोन आया कि यार हमने ना कुर्बानी लेने जाना है, तो वो एक जगह पर आ गई है। जानवर कौन सा है, बकरा है या बैल है, वो हम लेने जा रहे हैं दोस्त के साथ। मैं और वो है, बाइक पर जा रहे हैं, तो देखते हैं कौन सा है। आज कमाल बड़ा स्नैक्सी किस्म का मौसम हुआ हुआ है, बादल ही बादल हैं और ये माशाल्लाह से हरियाली हमने ऊपर लगाए हुए हैं, क्या कहते हैं पौधे लगाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं वो, उसने मुझे फ़ोन किया, वो नीचे खड़ा हुआ है इस वक्त, तो हो रहे हैं तकरीबन 4:30, तकरीबन 5 बजने वाले हैं। तो वो मेरा नीचे इंतज़ार कर रहा है, वो कह रहा है यार जल्दी आया। मैंने कहा जल्दी जल्दी से व्लॉग बना शुरू कर लेते हैं और इंशाल्लाह उसको मैं आपसे मुलाकात भी करवाता हूँ कि यार शायद उसने मॉडल टाउन से लेने जाना है। भाई जान हनान ने मुझे ले लिया, ये हनान बैठा हुआ है, इसका नाम हनान है, ठीक है। तो हम जा रहे हैं जल्दी, इसको बहुत जल्दी थी और हमें भी जल्दी है, क्योंकि यार टाइम अगर चला गया ना तो वो बंदा नहीं होगा जिससे हमने लेना है। लेना क्या है इधर, वो अभी नहीं बताएंगे। ये इसने मुझे बता दिया कि हमने लेना क्या है, अभी हमने पेट्रोल डलवाना है। यार पेट्रोल भी बड़ा महंगा हो गया है, इसलिए हम बाइक पे जा रहे हैं, देखते हैं। इंशाल्लाह मुझे तो लगता है आज हम बाइक पे उठा के लाएंगे, और हनान बाइक पे ना उठा के लाएँ, अगर कोई छोटी चीज़ हुई तो बाइक पे उठा लेंगे। अगर कोई बड़ी चीज़ हुई तो फिर तो रिक्शे पे ही आना है, और अगर कोई छोटी चीज़ हुई तो बाइक पे ही आ जाएगी इंशाल्लाह। अभी हम पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं, पेट्रोल हो गया बहुत महंगा। और पेट्रोल 250 रुपये लीटर हो गया, और आवाम का रश देखें वैसे का वैसे ही है। पेट्रोल डलवा के अब हम अपने सफ़र की तरफ गामजन होते हैं। पर्सनल बंदे का घर है और वहाँ पे अलाउ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं। पहले हमने सोचा था कि बाइक पे ले जाएंगे, अब आप लोगों को पता ही तो चल गया होगा कि वो क्या चीज़ है जो बाइक पे सिर्फ जा सकती है। तो अब हम क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि आप ना रिक्शा ले आएँ, आसानी से चला जाएगा। अगर रिक्शे पर नहीं जाएँगे, ऐसे ही आजकल कोई नुकसान हो गया तो पहले ही बीमारियाँ काफ़ी जानवरों को लग चुकी हैं, अगर थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए तो कुर्बानी नहीं होती, इसलिए अब हम रिक्शा ढूंढ रहे हैं। अल्लाह करके हमें कोई रिक्शा मिल जाए, यहाँ पे चांसेस तो नहीं है मॉडल टाउन में कि यार यहाँ पे कोई रिक्शा लेके फिरता हो, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमें रिक्शा मिल जाए। ना अभी मिल जाएगा रिक्शा, आपको क्या लगता है? पड़ेगा काफ़ी मुश्किल ही है, मुश्किल ही है। एक ड्राइवर कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहीं पे कोई, पहले एच ब्लॉक में हम थे तो ए ब्लॉक कह रहे हैं कि ए ब्लॉक ना वहाँ से रिक्शे मिल जाते हैं, कोशिश करते हैं वहीं से
कोई रिक्शा मिल जाए, रिक्शा मिलता है तो हम वहाँ पर हम उसको हम लेके ना, वो माशाल्लाह से बकरा है बहुत ही अच्छा है, हम आपको वो भी दिखाएंगे बकरे का भी, और क्या कहते हैं रिक्शा ढूंढ लेंगे कोई हमें रिक्शा मिल जाए जल्दी से, हम रिक्शा नाम में जल्दी चलें ताकि हमें रिक्शा जल्दी जल्दी मिले और हम उसको लेकर चलें, क्योंकि एक बंदा है वो जो इसका इंतज़ार कर रहा है, आज वो इसका इंतज़ार करते करते कैडी पैदल चला गया गुस्से में कि यार मुझे मैंने बकरा खुद लेने जाना था, मगर वो गुस्से में ही चला गया है और ना वो खुश हो जाएगा जब हम बकरा लेकर जाएंगे, अभी हम रिक्शा ढूंढते हैं देखें रिक्शा मिलता है या नहीं। भैया यहाँ पे हमें ना क्या कहते हैं चौक में खड़े हुए रिक्शे मिल गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई मॉडल टाउन जो आपको पता है अमीर लोगों का इलाका है, तो ये हमसे वैसे ही पैसे मांग रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है एक हमारा अच्छा बंदा मिल गया हमें, तो हम उसके साथ जा रहे हैं ये रिक्शे वाला, अल्लाह करके हमें जल्दी जल्दी अब हमें ये रिक्शा उठाए और ले जाए। कह रहे हैं कि भाई सवारी तो कंध डालती नहीं है, बकरा कंध डालता है, 300-400 रुपये तो रिक्शा धुलने में हो जाते हैं, तो हमने कहा यार मुनासिब कर लो तो ले चलते, अब 500 में अगला माना है, शुक्र है यहाँ पे एक बंदे के पास हम गए कहता 1000-1500 रुपया दे दो, वो समझ रहा था कि भाई जान इधर मॉडल टाउन में हर अमीर बंदा ही होता है भाई, कोई मिडिल क्लास भी होते हैं हमारे जैसे। तो हम अब जा रहे हैं रिक्शा मिल गया, और सामने जिधर बैनर लगा हुआ है ना हम यहीं से आपको दिखा सकते हैं, और वहाँ पे हम शूट बिल्कुल नहीं कर सकते, जब हमें बकरा मिल जाएगा तो हम क्या कहते हैं वो ले आएंगे आपको वीडियो बना के दिखा देंगे, ये बैनर लगे हैं वहाँ पे हमने जाना है, वहाँ पे बिल्कुल भी अलाव नहीं है, बकरा हम उठाते हैं इंशाल्लाह उसमें लगा। अच्छा यार फाइनली हमने बकरे को बिठा दिया था, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं रिक्शे में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, ये बकरा बैठा हुआ है इधर देखो इधर से साले कान ना खींच दर्द होती है मुझे। अभी हम रास्ते में हैं, जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये बकरे की पूरी लुक दिखाऊंगा कि किस तरह का बकरा है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा बकरा है, और इसकी प्राइस ऑलमोस्ट मुझे उसने बताई नहीं है, कुर्बानी होती है अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए होती है यार, इसकी प्राइस कोई भी नहीं होती, बस अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करें। अभी हम रास्ते में हैं तो रास्ते जब घर पहुँचता तो फिर मैं आपको दिखाता बकरा। फाइनली यार हम घर पहुंच गए हैं, अभी मैं पहुंचा हूं, और ये बकरा भाई खड़ा हुआ है माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। हनान भाई कैसा लगा आपको तस्वीरों में? तो लग रहा था थोड़ा, मगर ना अगर इसको हम उसमें देखें ना क्या कहते हैं ओरिजिनल में खड़े होकर देखें तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। ए साले अपने मालिक के पास आ गया तू, बोल बोल। हाँ आ गया हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। अच्छा यार मैं ना अभी व्लॉग बना रहा था तो ये बच्चा आया है। हाँ भाई क्या कह रहे थे अभी आप? मैं अभी बकरे को घुमाने जाता हूँ, अभी जाना है मैंने अभी वो ये बकरे को घुमाने, कह रहा था कि मुझे व्लॉग में ले गया, मुझे व्लॉग में ले गया, आप उबैद को ले आए थे यार, ये मेरा छोटा भाई है मोहम्मद हाशिम, और ये मेरे से मुझे तंग कर रहा था कि मुझे अपने व्लॉग में ले गया और मैं इसको अपने व्लॉग में ले गया हूँ, अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा यार काफ़ी ज़्यादा रेस्ट कर लिया है, तो अमार भी कह रहे थे कि यार मौसम बहुत कमाल का है तो कुछ खाने पीने चलते हैं, मैंने कहा यार अवान टाउन में अमार भी कह रहे हैं कि ना चिप्स बड़ी कमाल की है वहाँ पे फेमस है, तो हम वहीं पे जा रहे हैं, वो उबैद खड़ा हुआ है हमारे लिए बाइक ले आया है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया उबैद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे लिए बाइक ले आए हैं, कोई बात नहीं यार अब हम चिप्स खाने जा रहे हैं, तो मौसम आज लेवल का है, आप लोग भी चिप्स खाओ, लाहौर का मौसम आज बहुत ही लेवल का हुआ यार। चिप्स वगैरह हमने खा ली, हमने आप लोगों को दिखाई नहीं क्योंकि मौसम बहुत ही कमाल का था और हमें याद नहीं रहा, अगर आपने चिप्स खानी हो तो अपने पैसों की खाना क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, दूसरों के पैसों की खाते हुए ना बहुत अच्छा लगता है, मैंने अमार भाई के पैसों की खाई है मुझे बहुत ही अच्छा लगा अमार भाई में, जब बंदा अपने पैसे देता ना फिर उसको दुख होता है, अब मुझे अमार भाई ने खिलाई है। अच्छा यार इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।